फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ स्टाइल। तो यहाँ पे जो हम टाइप्स ऑफ स्टाइल स्टाइल की जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन ट्यूब मूवमेंट थ्रू स्टाइल। पॉलन ट्यूब जब स्टाइल के थ्रू नीचे जाती है स्टिग्मा से, जब उसका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, तो वो जब वो पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होके गुजरती है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे तीन तरह की स्टाइल एक्सप्लेन की है आपके सामने। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज स्टाइल एंड सेकेंड वन इज अ ओपन स्टाइल। ओपन स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो स्टाइल। ओके एंड थर्ड वन इज योर हाफ क्लोज स्टाइल। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड स्टाइल के ऊपर। मोस्टली एंटी सॉन्ग के अंदर सॉलिड स्टाइल देखने को मिलती है। तो सॉलिड स्टाइल में तो हम क्लोज स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट इज द फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब मूव थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू यहाँ पे स्टाइल के अंदर होता है, और ट्रांसमिटिंग टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू जो होती है उसके अंदर इलॉन्गेटेड सेल्स होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर द इलॉन्गेटेड सेल्स। यहाँ पे ये कंडक्टिंग टिश्यू है, दिस पिंक एरिया शोइंग द ट्रांसमिटिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। तो इस ट्रांसमिटिंग टिश्यू के अंदर अगर हम जूम इन करके देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दे कंटेन द इलॉन्गेटेड सेल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सेल्स। दिस ट्रांसमिटिंग सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मो डेस्मेटा एंड बिटवीन दिस ट्रांसमिटिंग टिश्यू, इन ट्रांसमिटिंग टिश्यू के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। यही वो पॉइंट होता है जहां से पॉलन ट्यूब नीचे जाता है ओव्यूल की तरफ। और यहाँ पे पॉलन ट्यूब एक एंजाइम रिलीज करता है, क्योंकि इन सेल्स के वॉल पे क्या होता है, पेक्टिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब यहाँ से होकर गुजरता है जब, तो वो हाई अमाउंट में क्या रिलीज करता है, पेक्टिनेज एंजाइम रिलीज करता है। तो ट्रांसमिटिंग टिश्यू की आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की जो पॉलन ट्यूब है वो ट्रांसमिटिंग टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में से होके जाती है, जहां पे क्या फील होता है, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स फील होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। तो फाइनली ये जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू को हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इसके थ्रू पॉलन ट्यूब क्रॉस होकर जाती है और कहाँ पहुंचती है, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रोसैक से फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो दिस इज द फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। बट अगर आप ओपन स्टाइल की बात करें, ओपन स्टाइल को हम क्या कहते हैं, होलो स्टाइल। तो जब हम इसको ऐसे एलएस देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से पॉलन, यहाँ बिल्कुल जो स्टाइल है वैसे बिल्कुल होलो है। और ये जो होलो स्टाइल है, इस होलो स्टाइल की कैविटी को कौन सा नाम करता है, स्टाइलर केनाल सेल। तो पॉलन ट्यूब इस होलो केनाल से होकर गुजरती है और इट हैज ए होलो स्टाइल की। आप जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो केनाल है वो वाइड है, लेकिन यहाँ पे ये काफी नैरो स्टाइल थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी वाइड स्टैंड है। इस वाइड केनाल को कौन सराउंड करता है, स्टाइलर केनाल से। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से होके गुजरती है। तो अगर इसी स्टाइलर केनाल, इसी इसी स्टाइल का हम अगर टीएस देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज सेल्स आर द स्टाइलर केनाल सेल्स, और इसके सेंटर में से पॉलन ट्यूब होके नीचे जाती है। तो दिस इज द टीएस ऑफ स्टाइलर केनाल। तो दिस इज बेसिकली मोस्टली सीन इनसाइड द मोनोकॉट, इनसाइड द मोनोकॉट। द थर्ड वन इज हियर हाफ क्लोज स्टाइल। हाफ क्लोज स्टाइल इज अ काइंड ऑफ स्टाइल जिसके अंदर रूडिमेंट्री ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है। मतलब वो ट्रांसमिटिंग टिश्यू तो होता है बट वो रूडिमेंट्री होता है, किसी काम का नहीं होता। तो ये मोस्टली देखा गया है कैक्टेसी फैमिली के अंदर, कैक्टस के अंदर देखा गया है, कैक्टेसी फैमिली के अंदर देखा गया है। एग्जाम्पल क्या है, कैक्टेसी फैमिली। तो हमने यहाँ पे देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन ट्यूब मूवमेंट, सॉलिड स्टाइल, ओपन स्टाइल एंड हाफ क्लोज स्टाइल। और जो नीट 2016 के अंदर एक सवाल आया था ट्रांसमिटिंग टिश्यू के ऊपर, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेंशन करूंगा। सवाल ये था कि ट्रांसमिटिंग टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्टली पूछा गया था। ट्रांसमिटिंग टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो वहां पे आंसर था सॉलिड स्टाइल। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली, क्योंकि ये नीट 2016 में इसका सवाल आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और स्टाइल की क्लासिफिकेशन की, वो अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी स्टाइल की, और ये क्लासिफिकेशन पॉलन ट्यूब की मूवमेंट के बेसिस पे थी।
आपको ये वीडियो कैसे लगेगी, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।